हेलो बच्चों, आज की हम क्लास में शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 3rd। ठीक है, और इसकी हम पहले सारी वीडियो बना चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 3.6 के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके चाहे वर्ड प्रॉब्लम वाले हों या आपके नॉर्मल क्वेश्चन हो, सारे मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, मैं एक ही क्वेश्चन करके लिखता रहूँगा, साथ के साथ आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ 1/2x और 1/3y and 2, 1/3x, 1/2y और 13/6। आपको पहले भी आपने क्वेश्चन किए, आपने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन किए, मैंने आपको कहा था कि जो आपका एक्स वाला टर्म है, यानी ये जो एक्स वाली टर्म है दोनों, और ये वाई वाली टर्म है दोनों के अंदर कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, आप इसको 1/2x को कॉमन नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे 1/3x है। तो हम सिर्फ लेट करते हैं, हम क्या लेट करते हैं कि 1/x ही दोनों के अंदर कॉमन नज़र आ रहा है और इसी को क्या मान लो, ए मान लो। ठीक है, उसको हमने माना, तो हमारे पास 1/y को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ठीक है, 1/y को क्या मानोगे, बी मानोगे। और इस तरीके से पुट करने के बाद क्या बनेगी इक्वेशन, तो देखो ये बनेगा 1/2 × 1/x प्लस 1/3 × 1/y = 2। आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको। ठीक है, और 1/x को जो है वो क्या माना, a माना। तो यहाँ क्या लिखोगे, a/2 × 1/2a। अब जो a है वो इसकी जगह आ जाएगा, इसका मतलब हुआ इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2a, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a/2 प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ b/3 = 2। ये हमारा बना, अभी भी हमारी इक्वेशन वैसी नहीं बनी जैसी हमें चाहिए होती है। हमें कैसे चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है कि a1x प्लस में b1y प्लस में सी, यानी इस तरीके की इक्वेशन होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे हम, अभी भी इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3a + 2b = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 3a + 2b = 2, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 12। तो हमारी पहली इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। और दूसरी इक्वेशन कहाँ, ये रहा देखो। तो इसमें क्या करोगे, इसमें भी आप सिमिलरली, है ना, मैं इस चीज़ इस वाले पार्ट को बार बार दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, बेटर है कि आप एक बार में समझ गए होगे कि मुझे क्या करना होता है। तो क्या करूँगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a/3 + b/2 = 13/6। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a + 3b / 6 = 13/6। ठीक है, ये आपका 6 से 6 मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा तो 2a + 3b = 13 हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसको क्या मानेंगे हम, इसको अपनी मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। हमारे पास दो इक्वेशन अगर मिल गई हैं तो हमें a और b वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, मतलब आप इसको किस मेथड से यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द रिड्यूसिंग देम एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करो, कुछ नहीं कहा कि आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, आपको एलिमिनेशन लगाना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। आपकी जो इच्छा है, जो आपको ईजी लगता है, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको एलिमिनेशन से करूँगा, और एलिमिनेशन से करने के लिए मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं ए का कोफिशिएंट इक्वल कर लेता हूँ, है ना। अगर मैं ए का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूँ तो आप देखो, वहाँ है 3 और यहाँ पर है 2। अगर आप इक्वल करना चाहते हो, मैं एक बार लिख लेता हूँ, इस इक्वेशन में है 2 और उस इक्वेशन में है 3। अगर आप इसका कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हो तो इसको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो जो काम आपने इस एक के लिए किया है वही काम इस दोनों के लिए करना पड़ेगा। आपको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन के बाद लिखते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 6a + 4b = 2 से मल्टीप्लाई किया 24। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a + 9b = 3 से, यानी 39। अब क्या करना है,
अब आपको करना है सब्ट्रैक्शन। याद होगा, जब भी आपके आगे ऐसा आए कि जो सेम नंबर आपने बनाया है उसके साइन सेम हो, ठीक है, तो उसको हमेशा सब्ट्रैक करो, और सब्ट्रैक्ट जब भी करोगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये खत्म हो गया। यहाँ देखो, ये माइनस का है, ये प्लस के हैं, तो माइनस के 9 है और प्लस के 4 है, तो कितना जाएगा, माइनस का 5b इज इक्वल टू, और यहाँ देखो ये माइनस का बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 और 1 15, और वो भी किसका आया, माइनस का, तो बी इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 15 बाय माइनस का 5 डिवाइड करके बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3। तो बी की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब इस बी की वैल्यू को कहाँ रखना चाहते हो, आपकी जो इच्छा है वहाँ रख दो, मैं इस वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ इस वाले में, ठीक है, तो इस बी की वैल्यू को यहाँ रख दे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2a + 3 × b, बी की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू 13, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस का 9, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद में क्या लिखोगे, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आपके पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। इसके बाद आपने लेट किया था ये, आप यहाँ पर पुट कर दो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास 1/x इज इक्वल टू a था, और हम 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 2/1 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू b था, है ना, तो 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू देखो कितनी है, 3/1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से कर लिया, ये तो आप भी कर सकते थे, है ना। तो अब ऐसा है कि इस एक्सरसाइज के अंदर हर क्वेश्चन एक अलग ही लेवल का है, मतलब अलग ही है, ऐसा नहीं है कि आपके पास सेम क्वेश्चन हो और मैं आपको कहूँ कि भाई ये क्वेश्चन आपका बन गया, अब आप आगे क्या कर लो, ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ऐसा नहीं है कि एक जैसे सारे अलग हैं, तो मैं आपको हर क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा। हाँ, अगर मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन मैंने करा दिया और इसके बाद का क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो मैं आपको ये इक्वेशन बनाने तक का करा दूंगा, उसके बाद आप खुद सॉल्व करोगे, आंसर जरूर है कि बिल्कुल ठीक आएगा। याद रखना, आप ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको आते हैं, बट पता है क्या, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा इतना लो होता है कि आपको लगता है पता नहीं मेरा आंसर सही आएगा या नहीं आएगा, इसलिए बेटर है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, आप उसको करते रहो, आप आंसर फाइनल चेक करा करो। हो सकता है कि पहली बार में गलत हो, कोई बात नहीं, गलत किया पर किया, ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट सेकंड पार्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको नज़र जरूर आ रहा है कि अलग है, बट अलग इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको क्या करना है, आपको वही काम करना है, क्या लेट करो कि लेट 1/√x। मम्मी आप बातें कर रही हो तुम, तो इसमें लेट करना पड़ेगा आपको, लेट करोगे 1/√x इज इक्वल टू a, और दूसरा लेट कर लो क्या, इसके अंदर क्या कॉमन है, 1/√y इज इक्वल टू b। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे रूट में आ गया तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, नहीं, कोई चेंज नहीं है। आप क्वेश्चन में ही देखो, आप इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में देखो कॉमन क्या आ रहा है, बट 2 तो कॉन्स्टेंट है, उसके अलावा 1/√x, यहाँ पर भी क्या है, 1/√x, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। उसी तरीके से इन दोनों के अंदर देखो, आप इसमें अंदर क्या है, 1/√y और 1/√y कॉमन है, लिख लो। अब ये नहीं है कि यहाँ पे रूट में लिखा हुआ है और आप सोचो कि मैं इसको रूट में ना लूँ, मैं 1/x ले लूँ, ये नहीं करना, जो काम का है वही काम आपको करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद ये इक्वेशन क्या बनेगी, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी, देखो 1/√x को a ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2a + 3b इज इक्वल टू 2, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ये आपकी पहली इक्वेशन। इसके लिए करें तो कितना हो जाएगा, 4a - 9b इज इक्वल टू -1, ये आपकी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब आपको मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन करो सबसे बढ़िया, ठीक है। अब चाहो ये दो तरीके से हो सकती है, ये आप चाहो तो a का कोफिशिएंट इक्वल कर लो, आप चाहो तो b का कोफिशिएंट इक्वल कर लो। पिछली बार मैंने a का करा था, इस बार मैं b का कर लेता हूँ, ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड एड इन इक्वेशन, मैं ये लिख देता हूँ इस बार, है ना, आपको पता रहे कि आप इस तरीके से लिखना चाहिए आपको, इक्वेशन 2
ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड कर दो, जो भी बात बनेगी वो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए तो देखिए ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपकी बन जाएगी, थ्री से किया है ना आपने, थ्री से मल्टीप्लाई किया, देखो थ्री से, मैं इसको सर्कल नहीं बनाऊंगा, सर्कल को हम इक्वेशन वाले को करते हैं, इसको आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6a प्लस में 9b इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन वो एज इट इज, 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। चलिए हमने क्या करना था, ऐड करना था, यहाँ करते हैं हम ऐड, तो 6a प्लस में 9b इज इक्वल टू 6 एंड 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू माइनस 1, इसको कर दो आप ऐड। और जब भी आप एडिशन करते हो अपोजिट साइन होते हैं वो ऐड होके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो एडिशन में ये ख़त्म हो गया, ये कितना बन जाएगा 10a इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 अपॉन में, देखो ऐसा हो जाएगा 5 अपॉन में 10 यानी 1 अपॉन में 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। उसी के बाद अगर ए की वैल्यू ये मिल गई है तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप यहाँ रख दो चाहे आप यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो आपका आंसर सही आएगा। चलिए मैं इसको क्या नाम है, इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो 2 इंटू में 1 अपॉन 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, यहाँ से ख़त्म हो गया, 1 प्लस में 3b इज इक्वल टू 2, तो 3b इज इक्वल टू, अब देखो ये जो है 2 और ये माइनस जाएगा 1 तो 1 बचेगा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 3 हो जाएगी b की वैल्यू। अब आपको ये b की वैल्यू मिल गई, ठीक है, आपके पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है ज़्यादा बड़ा, अलग अलग कुछ नहीं है, क्या है आपके पास था 1 अपॉन में रूट x इज इक्वल टू a था, और 1 अपॉन में रूट x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन 2 आई है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो रूट एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, बट आपको वैल्यू एक्स रूट एक्स की नहीं चाहिए, आपको वैल्यू किसकी चाहिए एक्स की, और एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हो तो एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आपके पास 1 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू कितना आया बी आया, तो 1 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3, अगर यहाँ से आएगा तो रूट वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो वाई इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, तो इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रूट में आने का मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर मुश्किल होगा या इसका सॉल्यूशन अलग होगा, कुछ अलग नहीं है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस आपको यहाँ आके थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व करने पड़ेगा यहाँ पर आके, ठीक है, यहाँ पर आके एक स्टेप और करना पड़ेगा, और वो क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और इसके अलावा कोई इसमें चेंज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आधा ही पार्ट ऐसा है जो कि आपको ऐसा दे रखा है 1 अपॉन में, बाकी आपका एज इट इज है, तो आपको लेट भी क्या करना है, लेट भी आपको यही करना है, दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा 1 अपॉन में x इज इक्वल टू a, और आप चाहो अगर b में ही कन्वर्ट करना है आपको, है ना, आप चाहते हो कि मैं, मुझे खुशी मिलती है या फिर मुझे अब आदत पड़ गई है a और b में सॉल्व करने की, तो आप वो काम कर सकते हो, बट यहाँ पे आप y को ही b पुट करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ चांस नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं भी करते हो, अगर आप वाई के अंदर ही छोड़ देते हो क्वेश्चन को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, मैं इसको ऐसे कराता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस में 3y इज इक्वल टू वाई 14, और 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। देखो x और y भी डिफरेंट नंबर है, a एंड b भी डिफरेंट नंबर है, और a और y भी डिफरेंट नंबर है, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ना चाहिए आपको कि आपका हमेशा x के बाद साथ में y होना चाहिए और a के साथ b होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एक a है एक y है, अपने आप में अलग अलग है, दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, मैं इसमें भी क्या y को कोफिशियंट को इक्वल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी आपको सिर्फ, क्योंकि इसके साइन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसके कोफिशियंट से यानी 4 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसके कोफिशियंट से यानी 3 से, तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी हमारी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16a प्लस 12y इज इक्वल टू, 4 से करेंगे तो आ जाएगा 56, ठीक है 56। उसके बाद में इसको 9a माइनस 12y इज इक्वल टू 23 को मल्टीप्लाई किया तो 69,
ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इनको कर देते हैं एडिशन, क्या करेंगे का एडिशन करते हैं, तो जब एडिशन करोगे आप तो ये खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25a = 25, हाँ जी 25, और इसमें जब आप करते हो तो ये देखो 5 और 1 और 12 125, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जाएगा 25a = 125, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 अपॉन में 25 यानी 5, तो a की वैल्यू आ गई 5। और y की वैल्यू कैसे रखोगे, यहाँ से यहाँ रख दो वैल्यू, कितना हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4a + 3y = 14, यहाँ पे 4 × 5 + 3y = 14, ये जाएगा 20, यानी 3y = 14 - 20, और 3y = ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो देखो y की वैल्यू आपको यहीं मिल गई है ना, क्योंकि हमें एज इट इज रखा हुआ मिला, हमें वैल्यू मिल गई। बट हम जब बात करते हैं x के, a की वैल्यू, तो a के लिए क्या हो जाएगा, 1 upon x = a लिया था हमने, क्या लिया था, 1 upon x = a लिया था, तो 1 upon x = a, a की वैल्यू कितनी आई है देखो 5, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, और x की वैल्यू 1 upon 5x हो जाएगा, और 1 upon 5 = x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 1/5। ये आपके आंसर होंगे बच्चों, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे अब थोड़े कॉम्प्लेक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो काम ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्वेश्चन कैसा है, मेन है बेसिक कंसेप्ट। अगर आप उन पे चलते रहोगे, आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ, तो चलिए करते हैं शुरू फोर्थ पार्ट इसका। और फोर्थ पार्ट में भी अगर आप देख लो, तो मैंने आपको कहा था कि आपको ये देखना है, स्टार्टिंग से बोलता हुआ चल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन से लेके अब तक मैंने एक ही चीज़ कही है, वो है इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है। अब तक आपके साथ में x प्लस माइनस में कुछ नहीं होता था x के साथ में, बट अब आपके साथ में शुरू हो गया x के साथ में माइनस प्लस शुरू हो गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर अगर आपको कॉमन नज़र आ रहा है तो वो है 1 upon x - 1। देखो अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ माइनस टू होता, तब हम कंफ्यूज हो जाते कि हम क्या कॉमन लें, उसके बाद क्वेश्चन ही गलत हो जाता, ठीक है। और जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था 1 upon 2x और दूसरा था 1 upon 3x, यहाँ पर समझने वाली बात थी कि भाई ये 2 यहाँ पे अलग है और यहाँ पे 3 अलग है, तो हमने 1 upon x को लेट कर लिया, बाकी एज इट छोड़ दिया, बाकी तो कॉमन है ना। बट यहाँ पर कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, 1 upon x - 1, और इसी को हम मानेंगे a। ऐसे ही 1 upon y - 2 को क्या मानेंगे, b, ठीक है। और इसी के हिसाब से इक्वेशन बना देंगे, तो इक्वेशन बनेंगी आपकी 2 5a + b = 2, और ऐसी 6a - 3b = 1। अब देखो कि आपकी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में अगर आपने इसका कॉफिशेंट इक्वल करने में लगाया टाइम, तो क्या होगा, तब हो जाएगी दिक्कत, क्यों, मल्टीप्लाई बड़ी हो गई, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी। तो ये देखो ये इक्वेशन छोटी है माना, बट अगर ये इक्वेशन बड़ी होती तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जाती। बेटर है कि आपको जब b का कॉफिशेंट यहाँ पे -3 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 1 है, तो इस इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और एडिशन कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो जाएगा ये 15a + 3b = 6, और नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे 6a - 3b = 1। एडिशन कर दो, एडिशन करोगे ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 21a = 7, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 upon 21 यानी 1 upon 3, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आपकी मर्जी है, मैं रख देता हूँ इस सेकेंड इक्वेशन में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 × 1 upon 3 - 3b = 1, यहाँ से देखो ये आ गया 2, तो क्या हो जाएगा 2 - 3b = 1, इस 3 को उधर भेज दो, 3b को उधर भेज दो, इसको उधर भेज दे, क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 - 1 = 3b, और ये जाएगा 1 = 3b, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू सेम है वो अलग बात है, बट वैल्यू तो आई है आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो 1 upon में
वन अपॉन में एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए है, तो वन अपॉन में एक्स माइनस वन इक्वल टू ए की वैल्यू वन अपॉन थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसको उधर भेजो तो हो जाएगा फोर इज इक्वल टू एक्स, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई फोर। उसी तरीके से आप देखो कि वन अपॉन में वाई माइनस टू इज इक्वल टू क्या है, बी, इसका मतलब है कि वन अपॉन में वाई माइनस टू इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू भी वन अपॉन थ्री है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू, इसको उधर भेजो तो फाइव इज इक्वल टू वाई, और आपके पास वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी फाइव। तो ये आपके आंसर हैं, क्वेश्चन अलग हो गया बट आपका तरीका सेम रहा, कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन भी करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फाइव। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स दोनों एक जैसे हैं, आप कहोगे कि यहाँ तो ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, दोनों एक जैसे कैसे हो गए, दोनों एक जैसे हैं। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं इन दोनों को अलग दे दूं, डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दूं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 7x अपॉन में एक्स वाई और माइनस का 2y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये x से x चला जाएगा, y से y खत्म हो जाएगा, तो 7 अपॉन में x हो गया माइनस 2 अपॉन में y हो गया, और क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 7 अपॉन में y हो जाएगा और माइनस का 2 अपॉन में x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो गया, पहली इक्वेशन बन के तैयार हो गई। उसी तरीके से आप इस इक्वेशन को भी देखो, इन दोनों को भी अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, 8x अपॉन में एक्स वाई प्लस में 7y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 15, तो x से x खत्म हो गया, y से y खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 8 अपॉन में y प्लस 7 अपॉन में x इज इक्वल टू 15, और ये क्वेश्चन वैसे ही आ गया जैसा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, या मैं बोल दूं एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल 17 याद करो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि पहले x y टर्म आई है फिर x टर्म आई है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 अपॉन में x को क्या कर लो, a लेट कर लो, और 1 अपॉन y इज इक्वल टू b लेट कर लो, आपका काम बन गया, एज इट इज सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो अगर मैं आपको बना के भी दूं, इक्वेशन बना के भी दूं, तो देखो मैं इन इक्वेशन को इधर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूंगा इसको, चलिए यहीं बना देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बनेगा, देखो a की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैंने 1 अपॉन में x को a माना और 1 अपॉन y को b माना, ठीक है, तो 1 अपॉन y पहले है, तो आ जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 7b माइनस का 2a इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ हो जाएगा 8b प्लस में 7a इज इक्वल टू 15, ये आपकी दोनों इक्वेशन बन के तैयार होगी, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि ये इक्वेशन ऐसे कैसे है, तो देखो इस इक्वेशन में अगर मैंने इसका एक्स वाई, या तो आप ऐसा करो कि डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स वाई, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड कर दूं, एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन में एक्स वाई, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और इसको मुझे फिर अलग करना पड़ेगा, वैसा ही बन गया ना आपका, है ना, अलग करेंगे तो कितना जाएगा 6x प्लस में 3y अपॉन में एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ से x चला जाएगा, यहाँ से y चला जाएगा, तो 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 6 बन गया, एज इट इज सेम इक्वेशन बन गई, ठीक है। चलिए दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 5xy, ठीक है, और यहाँ पर भी दोनों साइड क्या कर दो, xy और डिवाइडेड बाय xy, ये खत्म हो गया। अब क्या करोगे, इनको अलग अलग कर दो, 4y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से x खत्म, यहाँ से y खत्म, 2 अपॉन में y प्लस में 4 अपॉन में x इज इक्वल टू, तो ये लेट करने वाला जो सीन है वो दोनों के लिए सेम मान लेते हैं, है ना भाई, 1 अपॉन में x, 1 अपॉन y, यहाँ पर भी वही काम था और यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, तो इस इक्वेशन को मैं बनाऊँगा तो क्या लिखूँगा, 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5, और जो दूसरी ये इक्वेशन है वो जाएगी 6b प्लस में 3a इज इक्वल टू 6, आपकी दोनों इक्वेशन बन गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। आगे का काम आपको पता ही, क्या करना है आपको, a की वैल्यू निकालनी है, आपको b की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर रख दो, दोनों के लिए सेम काम है, कोई चेंज नहीं है। तो ये आगे का क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, और लास्ट के जो दो क्वेश्चन है वो अलग है, बिल्कुल ही अलग है, तो वो मैं आपके लिए करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा क्वेश्चन है 7th पार्ट है। अब इसके अंदर क्या हो गया, अब तक हमारे पास क्या होता था कि पहले टर्म में या तो x होता था या y होता था, जैसे लास्ट के दो क्वेश्चन थे उसमें y आ गया था पहले, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें x प्लस वाई दोनों आ गए,
तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें क्या देखना है, हमें देखना है कॉमन क्या नज़र आ रहा है। इसके अंदर भी वन अपॉन में एक्स क्या है, इसके अंदर भी वन अपॉन में एक्स प्लस वाई कॉमन है, और इस वाले के अंदर वन अपॉन में एक्स माइनस वाई कॉमन है। और जो चीज़ कॉमन होती है हम उसी को करते हैं लेट, उसी को हम क्या बोलते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू अगर बी है तो हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन को लिखेंगे टेन ए प्लस टू बी इजिकल टू फोर, और इस इक्वेशन को लिखेंगे फिफ्टीन ए और माइनस का फाइव बी इजिकल टू माइनस टू। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको आगे क्या करना है, देखिए अगर आपकी पहली इक्वेशन आ गई 10a प्लस में 2b इजिकल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 15a माइनस का 5b इजिकल टू माइनस 2, तो अगर कम कैलकुलेशन की बात करें तो मुझे b में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 है या 2 है, तो इस इक्वेशन को यानी पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और जो कि ईजी है, यहाँ 15 है यहाँ 10 है तो ये मल्टीप्लाई करो तो वही है कि आपको ज़्यादा कम भी करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो जाएगा 50A प्लस 50A 50A प्लस 10B इजिकल टू 20, और ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 30A माइनस का 10 बी इजिकल टू माइनस का 4। और आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा एडिशन, और जब आप दोनों का एडिशन करोगे आप देखोगे ये तो खत्म हो जाएगा, जब ये खत्म हो गया तो क्या बना, जब ये खत्म हो गया तो हो जाएगा 80A, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80A इज इक्वल टू, और देखो एडिशन कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्शन एडिशन कर रहे हो, जब एडिशन करोगे तो 16 हो जाएगा ये। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हो गई, 16 अपॉन में 80, जो कि A की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 5। ठीक है, अब A की वैल्यू मिल गई, उसी तरीके से B की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप यहां रखो, पहली इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10A प्लस 2B इजिकल टू 4, और A की वैल्यू आ चुकी है तो 10 इंटू में 1 अपॉन 5 प्लस में 2B इजिकल टू 4, ये आ जाएगा 2, है ना, 2 आ गया, और इस 2 को उधर भेजेंगे तो 2B इजिकल टू 4 माइनस 2, तो 2B इजिकल टू 2, और B की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, जब आपके पास B की वैल्यू आ गई है तो अब आपको काम करना है यहाँ पर, कहाँ पर करना है, यहाँ पर काम करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है आपको दो बार एलिमिनेशन लगाना पड़ता है। कब? एक बार A और B के लिए एलिमिनेशन लगाया, आपने सॉल्व किया, A और B की वैल्यू आ गई, बट यहाँ पर दोबारा भी तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। कैसे? देखो, अगर मैंने 1 अपॉन में x प्लस वाई को क्या माना, A माना, तो देखो 1 अपॉन में x प्लस वाई इजिकल टू A, A की वैल्यू देखो कितनी है, 1 अपॉन 5 है, तो आप सब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इजिकल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया। एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, है ना, और ये भी एक्स वाई पर बनी है, ऐसी नहीं कि आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मिली या डायरेक्ट वाई की वैल्यू मिली। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में जब हमने लेट किया तो एक के अंदर एक्स था, एक के अंदर वाई था, इसमें जब हमने लेट किया तो दोनों है एक्स और वाई, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो भी कैसी बनेगी, एक्स और वाई की बनेगी। तो इसको मैं लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब बी के लिए क्या होगा, तो बी के लिए हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस वाई इजिकल टू बी, और 1 अपॉन में x माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू देखो कितनी है, 1, 1 अपॉन 1 बोल सकते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगी 1, और ये आपकी बन जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बड़ा आसान होता है, डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है कि x प्लस वाई इजिकल टू कितना है 5, और x माइनस वाई इजिकल टू कितना है 1, डायरेक्ट ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये खत्म, तो 2x इजिकल टू 6 हो गया और x की वैल्यू 3 आ गई, एज इट इज नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, बार बार आगे ज़्यादा छोटी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट ये आ गई। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दो तो 3 माइनस वाई इजिकल टू 1, इसको उधर उसको उधर, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2।
तो इस तरीके से जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे तब आपको दो बार एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, दो बार सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा या दो बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा। मेरी मानो तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने हर किसी में एलिमिनेशन लगाया है, एलिमिनेशन से आपका टाइम बचता है, बहुत कम टाइम में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट वाला इसी के ऊपर बेस्ड है, पर थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं तो मैं उसके अंदर आपको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको लेट करा दूंगा, थोड़ी इक्वेशन सॉल्व करवा दूंगा, आगे का काम आप अपने आप करोगे। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट है। इसके अंदर भी मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम का मतलब क्या है, एज इट इज़ दो चीज़ें आ रही है इसके अंदर। जब आपके पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी, आ रही हैं, तो आगे भी आपका वैसे सॉल्व होगा जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, चलिए अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन नज़र आ रहा है तो हमें उसको क्या करना है, उसको लेट करना है। क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो भैया मुझे तो जो कॉमन आ रहा है वो 3x प्लस में y नज़र आ रहा है, तो उसको मैंने मान लिया a। आप खुद देखो इसके अंदर जो 2 है वो एक्स्ट्रा है इसके अंदर, इसके अंदर तो नहीं है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 1 था और यहाँ 2 है, तो उसको छोड़ दो, बाकी जो कॉमन है उसको लेट कर लेते हैं। दूसरा क्या है, 1/3x माइनस का वाई इज इक्वल टू बी लेट कर लो और इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये बन जाएगी आपकी a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4a प्लस में 4b इज इक्वल टू 3, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, बहुत आसान है ये, जितना आपको मुश्किल नज़र आ रहा है उससे काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। चलिए उसके बाद में इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए जाएगा a अपॉन में 2 माइनस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लो तो a माइनस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 1/8, 2 से 4 बजाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप देखो कुछ नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट ऐड कर दो। जब डायरेक्ट ऐड करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 8a इज इक्वल टू, एडिशन करते हो तो यहाँ पे 2 होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। अब a की वैल्यू 1/4 है तो यहाँ रख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 1/4 प्लस में 4b इज इक्वल टू 3, खत्म हो गया, ये उधर जाएगा, यानी 1 प्लस में 4b इज इक्वल टू 3, इसको उधर भेजे तो 4b इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप देखो आगे काम आप अपने आप करोगे। ठीक है, ऐसे क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि 1/3x प्लस में y इज इक्वल टू a और a की वैल्यू देखो कितनी है, ये है 1/4। ठीक है, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बनेगी। उसी तरीके से 1/3x माइनस का वाई इज इक्वल टू 2, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस का वाई इज इक्वल टू 2, तो आपकी दोनों इक्वेशन बन गई। अब वही आ गया, ऐड कर दो, 6x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और फिर y की वैल्यू पुट कर दो, लगभग आसान हो गया। देखो मैंने पूरा सॉल्यूशन नहीं किया, उसके बाद भी आपका बहुत ही लास्ट वाले क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन हुआ, तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपका बड़ा क्वेश्चन नज़र आ रहा है तो आपका क्वेश्चन का आंसर भी बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें।